मुरादाबाद के शिवरानसी दयानंद डिग्री कॉलेज में नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर एक भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया, जिसमें छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त किए और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी काम किया जाएगा, जिसको लेकर महाविद्यालय स्तर से भी काम हो रहा है। कई बार नशे की लत का शिकार होकर बच्चे अनजाने में पागलपन और आत्महत्या जैसी हरकतें भी कर सकते हैं, जिस प्रकार वे अपना जीवन गंवाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महंगाई के जमाने में जिस प्रकार मनुष्य से हम लोगों में मेल तथा फीमेल यानी कि पुरुष और महिला दोनों का नौकरी करना आवश्यक हो गया है, अर्थात दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं, जिस प्रकार वे बच्चे पर ध्यान देते हैं। दिनांक 25/9/2019 को डीएके कॉलेज की एनएस इकाई द्वारा महात्मा गांधी के 150वें वर्षगांठ के अवसर पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम ड्रग एंड यूज प्रिवेशन विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। प्रतिभागियों ने नशीले पदार्थों से होने वाली हानि पर विस्तृत चर्चा की तथा कहा कि नशीले पदार्थों से आर्थिक तथा सामाजिक हानि होती है, परिवार के अन्य सदस्य इसके दुष्परिणाम भुगतते हैं। छात्राएं इस प्रोग्राम के द्वारा ये संदेश देना चाहती थीं कि वो सभी छात्राएं अपने परिवार तथा अपने पड़ोस में लोगों को नशे की आदत छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगी। प्रतियोगिता में डॉक्टर मंजू जौहरी, डॉक्टर कंचन सिंह तथा डॉक्टर अर्चना राठौर ने निर्णायक की भूमिका निभाई। लगभग 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अदिति सक्सेना बीएससी सेकेंड ईयर प्रथम स्थान, साक्षी चौहान बीएससी सेकेंड ईयर द्वितीय स्थान पर तथा कुमारी वर्षा बीएससी फर्स्ट ईयर तृतीय स्थान पर रहीं। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर शोभा गुप्ता ने तथा सहयोग डॉक्टर निशा यादव तथा डॉक्टर सीमा महिंद्रा का रहा। डॉक्टर विमल शर्मा तथा डॉक्टर रीना उपस्थित रहे। ये आज दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में एनएसएस के द्वारा ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई है। ये प्रतियोगिता महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ की अवसर पर आयोजित की गई है, जिसमें छात्राओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के रोकथाम के विषय में इस विषय पर उनकी भाषा प्रतियोगिता आयोजित की गई। क्या मानती हैं ऐसे कार्यक्रम से क्या जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा सकता है? इस कार्यक्रम से सबसे पहले तो बच्चों के अंदर नशे के प्रति जो समाज में कुरीति है, ये कि नशे को बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और उससे उनकी सेहत पर और उनके परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ता है, तो बच्चे जब इस विषय के बारे में जानते हैं तो वो अब जाकर अपने परिवारों में अपने भाई बहन और अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको इसके दुरुपयोग के बारे में बताते हैं और उसके जागृत करते हैं तथा ये उनके अंदर ये जागृति लाते हैं कि इसके करने से उनके परिवार को और समाज को क्या हानि होती है और उन्हें इस नशीली दवाओं के उपयोग को छोड़ देना चाहिए।